Me, myself and I, Chunky Lal Santa. Bollywood ka producer sabse vadda. Shitting, I mean, mera matlab hai, sitting in my adda. And note down, baby. Tu waqai bahut hi achhi heroine material ho. Kal main tumko 5-star hotel mein lunch ke liye leke jayega aur uske baad tumko lodge karega. Tumhare liye to main signing amount bhi leke aaya, baby. Mouth freshener for you and me. Open your mouth. Open your armpit. Yes. Main tumko topless, mera matlab hai top ka heroine banayega. Tum dekhte hai ye red carpet par jo bhi actor chal ke aa raha hai na, usko Chunky Lal Santa ne launch kiya hai. इसी रेड कारपेट पे तू चलेगी बेबी, मैं तुझे सिखाऊंगा जैसे मैंने ये सब स्टार्स को सिखाया है. तो लेट द रेड कारपेट बिगिन. Wall of fame by mistook spelling ho gaya wall of shame. Dekho agar tumhari tasveer is wall pe aa gayi tumhari to life ban gayi hai. Is fraud ko maine launch nahi kiya. Kaun hai ye? Hey baby, tum ja ke change karo auditions ke liye, tab tak main isko nipataata hu. Go. Kameene, tune tera photo mere wall of shame mein laga kar lagai di mujhe shandy. Shandy, अगर आप और मैं मिल जाएं तो बन जाएंगे बॉलीवुड के आई कैंडी. ओए प्रोड्यूसर की चमचागिरी कर रहा है तू, हाँ? प्लीज सद्दा जी, मुझे प्लीज एक चांस दीजिए. आप इतने बड़े प्रोड्यूसर, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्ट कर लेता हूँ, डांस कर लेता हूँ, मैं गा भी लेता हूँ, प्लीज. ओए तेरे जैसे लोगों को मैं सर्कस में भर्ती करता हूँ, लेकिन तुझे एक चांस दूंगा. ये रेड कार्पेट है, यहाँ तू जरा नाच, जरा गा, जरा लोगों की एंटरटेनमेंट कर. मैं तेरा स्क्रीन टेस्ट करके तुझे फिल्मों में डालूंगा. बस इतनी सी बात, वो तो मैं एक झटके में कमाल दिखाता हूँ. आपने किसको पहना है? एलेक्जेंडर मैकक्वीन. निकल थंपी. डॉल्सी एंड गबान. अनामिका खान. मैंने तो ड्रेस को ही पहना है, किसी और को तो नहीं पहना. ये पहली बार है जब किसी ने एक्चुअली बोला कि हाँ मैंने कपड़े पहने हैं भाई. आई थिंक गेट टू क्लोज देन. अरे ये तो बड़ी खतरनाक है. आप इनके साथ कैसे रहते हो? डरा हुआ रहता हूँ बस. आपने इनको ड्रेस किया या आपने इनको ड्रेस किया? नहीं, हम एक दूसरे को ड्रेस नहीं. आपने ये जो स्पाइकी इयररिंग्स पहने, ये कैसे पहने? आप सोच के क्या आए थे? आप खुद तो प्लास्टिक का टक्स पहन रखा है, आप मुझे बोल रही हो? This is tricoster. कहाँ है वो exactly? वो अंदर पीछे छुपे हैं. छिप छिपा हुआ है. पीछे मत जाओ, आगे रहो तुम. अच्छा पीछे. मैं हमेशा आगे ही रहता हूँ. बेहतर. आपकी बोट है तो हार्ड हो चुकी है. हाँ बहुत हार्ड है. है ना? मेरा हार्ड आपका सॉफ्ट है. And the winner is Miss Priyanka Chopra. Oh no no no, I'm not the winner. I am the black statue. You are beautiful. हाँ ये बोलते हैं स्टाइल स्टेटमेंट. इन्होंने एक इयररिंग पहना है क्योंकि मुझे लगता है दूसरा गुम हो गया है. किसी को ढूंढो. चंकी लाल? ये चंकी लाल नहीं है, मैं चंकी लाल हूँ. अरे आप हो चंकी? हाँ जी हाँ जी. और इतना बड़ा फैन हूँ मैं आपका. देखो मैंने भी कपड़े आपकी तरह पहने हैं. हाँ जी, मैं आपके लॉन्ड्री में जाके चुना के लेके आया. ओए धनुष एंड आनंद, मी द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉलीवुड. ओए धनुष, तेरा कमान किधर है? I have misplaced it somewhere. तू misplaced किया? Where is bow and arrow? I really did. सर जी आपका माइक सर. हाँ जी, थैंक यू जी. आपका? सुब्रत जी, मेरे पास इनबिल्ट माइक है. मैं बचपन पैदाइश से माइक है मेरे अंदर. Very nice. यार तू तू मेरी लाइफ बना सकता है यार. तू मुझे 2060 में भी डेट दे दे. 2060 में? हाँ चलेगा चलेगा. प्लीज सलमान, कुछ भी कर ले, मैं तेरे पैर छू लेता, कुछ भी कर लेता हूँ, कर ले, मेरे मेरी फिल्म कर दे. सीरियसली आप मेरे पैर छूओगे? हाय राइट नाउ कैमरा के सामने. सीरियसली छूओगे? कर ले मेरी फिल्म, करे मेरी फिल्म, कर ले. तू कौन से भी एंगल से डायन नहीं लगती, तू बड़ी खूबसूरत है. अभी मैं थोड़ी कॉस्ट्यूम पहन के आई हूँ, बाल बना के तो नहीं आई हूँ. लगती है तू. चल अभी जल्दी कुत्ते की एक्टिंग भी करके दिखा. कितना बड़ा लोनली है. अच्छा ये वाली? जी.
मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए गाना गाओ। ओ हीरिये तेनु ले जाना है, गल तू मन च वसा, नहीं जीना तेरे बिना, सानू देना सजा। वाह वाह, अगर मैं ये गाना गाता तो ऐसे लगता कोई फटी हुई बांसुरी से आवाज निकल रही है। बेटा मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। क्या? तू भाग भाग के थक गया है, इसलिए अब तू गाड़ी में ट्रेवल कर। थैंक यू सर। मैं चाहता हूँ कि मैं सबको रिलॉन्च कर दूँ इस इंडस्ट्री में, लेकिन आपके लिए मैं एक स्पेशल को-स्टार लेके आया हूँ। एक काम करो, एक एक्टर है, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और उनका नाम है चंकी पांडे, उनको जरा लॉन्च कर दो एक बार। ओए मेरा प्रेजेंट कितने है जी, सलमान खान का प्रेजेंट ले आओ ले आओ। सर जी ये मैं सब को-स्टार्स के लिए, सब हीरोज के लिए, ये आपके लिए स्पेशल पेंटिंग लाया हूँ। आपने देखा ये ब्लैंक है ये पेंटिंग? जी हाँ जी जी। मेरे दिमाग में बहुत धुंधला चीज़ें चल रही थी, इसलिए एकदम व्हाइट बना दी पेंटिंग। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बट इट्स ऑल फॉर यू सर, इफ़ यू कैन राइट समथिंग ऑन दिस पेंटिंग, मैं इसको ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा सर। इनकी मैं आपको एक आदत बता दूं कि ये करते क्या है, इन्होंने मुझे एक साउथ अफ्रीका के शो के अंदर मुझे तीन जगह, ऐसे पिक्चर देखो ऐसा देखूंगा, शॉपिंग करो ऐसे हाँ करूंगा, और डिनर खाओगे हाँ खाऊंगा, इन्होंने तीन जगह से पैसे ले लिए थे कि सलमान खान आ रहे डिनर करने, शॉपिंग करने और पिक्चर देखने के लिए। ये चंकी पांडे हैं। का रेड कार्पेट का होस्ट अगर एंडी है तो आलू बड़े करारे तो बनते ही हैं। देखते हैं किन स्टार्स के आलू कितने करारे हैं। इतनी खूबसूरती से गाते हो तो आप प्लीज हमें कुछ गा दो। क्या गाऊं? आलू बड़े करारे। मैंने सुना है कि आपको एक गाना बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, आलू बड़े करारे। आपने अपने अपने बाल बनाए जो है नहीं। क्यों ना डाइट, तो मैं आलू के बारे में सोचती ही नहीं। आप डाइट में हो क्यों? क्यों? एक सेकंड, मैं बस एक और चीज बोलना चाहता हूँ। आपको आलू बड़े करारे आते हैं? गोल्डी शुड नो दैट। आप पंजाबी भी है, आपका शो भी देखता है, सो ही शुड नो दैट। नो, आई डोंट नो दैट, बट आई रियली लाइक दैट। आई थिंक यू शुड डू वन फॉर अस। कम ऑन। आलू बड़े करारे नी अड़िए, आलू बड़े करारे, सोनाली चढ़ी चवारे नी अड़िए, सोनाली चढ़ी चवारे, आलू बड़े करारे नी अड़िए, आलू बड़े करारे, आलू बड़े करारे नी अड़िए, आलू। आप गिद्धा तो पा दो, गिद्धा गिद्धा बहुत स्लो जा रहा है। तनीषा वाजा मारे नी अड़िए, तनीषा वाजा मारे, किसको मारे? आलू बड़े करारे नहीं है, आलू बड़ा करारे। आलू बड़े करारे नी अड़िए, आलू बड़े करारे, आलू बड़े करारे नी अड़िए, आलू बड़े करारे। अच्छा, आपके उनका नाम क्या है? कमल तिवारी है। कमल चढ़ा चवारे नी अड़िए, कमल चढ़ा चवारे, आलू बड़े करारे नी अड़िए, आलू बड़े करारे, एली चढ़ी चवारे नी अड़िए, एली चढ़े चवारे, सोफिया चढ़ी चवारे नी अड़िए, सोफिया चढ़ी चवारे। आप लोगों को गिद्धा तो आता होगा थोड़ा सा? नहीं नहीं आता। नहीं जो मैंने जूती पहनी है ना उसमें गिद्धा होगा नहीं। जटियां पंजाब दिया उच्चिया ते लम्मिया, जटियां पंजाब दिया उच्चिया ते लम्मिया, नच नच तोड़ती हलान गिया नी अज गिद्दे विच हाय। क्या प्रॉब्लम हुआ? मेरी बीवी ने मुझे होमवर्क दिया बच्चों का। अच्छा। फिल इन द ब्लैंक्स। मैं आपके साथ ही खेल सकता हूँ, मेरे बच्चे पास हो जाएंगे। हु इज बॉलीवुड मोस्ट एलिजिबल बैचलर? बड़ा सोच रही आप जैसे कि आपको कोई प्राइज मिलने वाला है। रणबीर और रणबीर। रणबीर रणबीर चंकी पांडे। हाय हाय हाय, मेरी तो शादी चार बार हुई है। डोंट से मी एक्चुअली दो है। एक रणबीर कपूर अब तक, ओके, और एक आदित्य रॉय कपूर। दीपिका पादुकोण का सच्चा प्यार डैश है। एक्टिंग। ओह वो, व्हाट इज ऑल दिस? मूवीज। मूवीज, रॉन्ग आंसर। डैश। मैं। ओह वाओ, अभी तो पापा बने आप। वेरी कॉन्फिडेंट पापा। व्हाई स्टार्ट इन द कंट्री?
बैडमिंटन क्योंकि वो बचपन से खेल रही है एक्टिंग रॉन्ग आंसर दीपिका पादुकोण का प्यार डैश है अपरंपार अपरंपार है ओह फैंटास्टिक फैंटास्टिक अनंत अनंत मेरे एक मित्र हैं उनका नाम है चंकी पांडे वाह उनको आप शायद जानते हो कि नहीं जानते मुझे मालूम नहीं वो मेरा दूर का रिश्तेदार है पिंड में छोड़ के आया हूं सर जितनी हवाएं चल रही हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है रणबीर सिंह गुड आंसर मेरा बच्चा पास हो जाएगा शाहरुख और सलमान को आपस में क्या करना चाहिए एक दूसरे के साथ सेक्स अरे जवाब तो दे दे दोस्ती करनी चाहिए दोस्ती करनी चाहिए डिनर करना चाहिए सो नो एंड हु इज गोना पे द बिल गले लगना चाहिए प्यार आहा समझौता ओह फैंटास्टिक आंसर एक्टिंग साथ एक फिल्म करनी चाहिए अब मेरे संग एक बार जो सलमान ने कमिटमेंट कर दी तो वो चंकी पांडे के नहीं सुनता ओए बाप रे आम आदमी जागता हुआ शेर है उंगली मत करो वरना चंकी पांडे चीर फाड़ देगा ही इज माय फ्यूचर ही इज माय एवरीथिंग राइट नाउ मिल्का नहीं भागता तो डैश करता और भागता फैंटास्टिक आज मेरे कॉल क्या नहीं है, है नाम है काम है दाम है और इस रशियन ब्यूटी दा प्यार बड़ा पैगाम है सर कंट्रोल कंट्रोल तो कर रहा हूँ मैं तबीयत इज फाइन साथ में है पाइपलाइन और पाइपलाइन में है 33 फिल्में वो क्या है ना ब्यूटी में फिल्में आज शुरू करता हूँ जाके कंप्लीट होती है 2050 में तो मुझे देखना है कि 2050 इन द फ्यूचर में एक्टर लोग एक्टिंग कैसे करेंगे तो चलो जाके वहाँ ऑडिशंस लेते हैं कम ऑन ब्यूटी मेरी सब फिल्में पाइपलाइन में फंसी पड़ी है आज शुरू करता हूँ 2050 में रिलीज होती है तो अगर आपको मेरे पिक्चर में काम करके फ्यूचर में डायलॉग देना पड़ता तो आप ये कैसे बोलती कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ फ्यूचरिस्टिक डायलॉग्स हाँ जी हाँ जी तब तक तो कितने 10-15 बच्चे हो चुके होंगे ना ऐसा यार फिर से हो गया मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चे का बाप कौन है कितने आदमी थे और रिस्पांस होगा कि ट्वीट पढ़ा नहीं आपने मैंने ट्वीट किया था वहां से मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ इसकी तो आवाज को भी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी पचास में ये डायलॉग कैसे बोलेंगे साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊँ SLV वायलेंट हो चुका हूँ अब साइलेंट होगा वाह फैंटास्टिक यार फरहान अख्तर मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ तेरे साथ यार क्यों यार वड्डा वड्डा एक्टर सी मैं इतनी अच्छी एक्टिंग करता था देख भाग मिक्का भाग में मैं तेरे से फास्ट रन कर रहा यार तेरी कितनी टेंशन है तेरे चेहरे पर के पीछे तो कोई तक ओवरटेक करने वाला मैं बता नहीं सकता हां करेक्ट तू ओवरटेक कर गया मेरा रोल भी कट गया इसलिए एक्टर से मैं प्रोड्यूसर बन गया और तू बहुत बड़ा एक्टर बन गया यार दीपिका नॉमिनेशन अवार्ड तुम थक नहीं गई दीपिका दीपिका यू डोंट रिमेंबर जब मैंने तुम्हें लॉन्च किया था इन ओम शांति ओम मेरी अगली फिल्म कब कर रही है दीपिका मैं तेरे लिए ड्रेस्ड लाइक दिस हाउ कैन आई फॉरगेट यू चंकी नेवर इन योर लाइफ टाइम मैं तो तेरे लिए साइनिंग अमाउंट लेके आया हूं अच्छा बकवास डिक्शनरी आजकल बड़े हुए रूमर शूमर चल रहे हैं कि बहुत तोड़फोड़ हो रही है आपके नाम से इसलिए मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूं ये है फेवी स्टिक फेविस्टिक हाँ जी जो भी टूट गया ना उसको चिपका दो आप साथ में और चंकीलाल सड्डे दे अड्डे बिच आ गई है प्रीति जिंटा और प्रीति सबको बता दे कि मैंने ही तुझे लॉन्च किया था यार तुझे देख के मैं इतना खुश हो गया मेरे फोटो भी हंसने लगे देख ले गॉल ऑफ शेम वेल जब से आपने मुझे लॉन्च किया उसके बाद लोग मुझे रॉकेट बुलाने लगे हैं यू मीन यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नो आई मीन द मूवी वाज कॉल्ड रॉकेट लॉन्चर
नारी का हर रूप मेरे सामने है, माँ बेटी और बहन। ओ माय गॉड, कल आज और कल मेरी तो फिल्म पक्की होगी। इधर मैं आपको मेरे फिल्म्स के डायलॉग सुनाना चाहता हूँ, लेकिन आपको एक एक करके वो डायलॉग बोलना पड़ेगा। वन सेकेंड प्लीज, मेरे अंडे। अगर ये अंडा आपका कोस्टार होता तो तनुजा जी आप क्या बोलती इस अंडे को? मैं उसको बॉईल करके खा जाती हूँ। I'd say, I don't know, like happy अंडे, पक 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 जा। ये आपका कोस्टार है। अंडा? अंडा। I'm gonna tell शाहरुख this. Yes. और अब आपको ये प्रपोज करना है इस अंडे खाने को। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो अंडे बाबू। I hope you get the award tonight. I hope I do. I hope this is not the award. No, this you can throw if someone else gets the award. ओए मुर्गी। अरे यार, मेरा अंडा लिया। बड़ी सोनी कुड़ी है। अब ये तेरा अंडा। रियल है? हाँ जी, रियल है। अच्छा जी, अब तुझे ये अंडे के साथ शादी करनी है। ये प्रपोज कर दे अंडे को। अंडा, हाँ, इंडस्ट्री के किसी भी प्रोड्यूसर से पूछ ले, मेरी रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। ये तेरी कोस्टार है, अब तो अब ये तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, अब तो इसे कैसे मनाएगा शादी के लिए? बस यही कहूँगा कि तुम्हारे पेट में जो चूजा है, मैं तुम्हें उसकी कसम, मुझसे शादी कर। ये अंडा है, ये अंडा तेरी कोस्टार है, बड़ी कमीनी हीरोइन है, इसे दो तीन गालियाँ दे दे तू अंडे को दो तीन गालियाँ दे रहे। हाँ हाँ, ये मेरी बिच्ची गर्ल। फिली अंडा, कभी ना अंडा, कुत्ता का अंडा। तुम्हें अंडे का पंडा। ओके, कुत्ता का अंडा होता नहीं है। कुत्ते का अंडा नहीं होता है, ये गंदी मुर्गी का अंडा। गंदे मुर्गी का अंडा, मरी हुई मुर्गी का अंडा। मरी हुई, मर जा अंडा, मर जा अंडा। ये है मेरी मुर्गी और ये उसका अंडा। अच्छा, क्या बात। अब आपको ये अंडे के साथ रोमांस करना है, बताइए क्या बोलेंगे आप इस अंडे को? यू बॉइल्ड एग, आई लव यू। मैं फ्यूचरिस्टिक फिल्में बनाता हूँ, अब सोच ले हम लोग दोस्ताना 52 बना रहे हैं और तू और मैं रोमांस कर रहे हैं। क्या बोलेगा तू मुझे? मतलब दो बूढ़े इंसान रूम में, कोई नहीं आने वाला देखने चंकी। नो, नहीं नहीं कोई नहीं आएगा। अरे प्लास्टिक सर्जरी कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं आने वाला। वी हैव टू थिंक ऑफ सम यंग टैलेंट। मैं चाहता हूँ कि आप उस फिल्म में रोमांस करें मेरे साथ, दोस्ताना 27। आपके साथ? हाँ जी। बहुत हो रहा है, अर्जुन कपूर के साथ ऑलरेडी कर रहा हूँ मैं ब्रोमांस गुंडे में। ओए, बड़ी वायलेंट पिक्चर है। ओवरडोज हो जाएगा। ओवरडोज हो जाएगा। हाँ हाँ। अब मैं तुझे एक सिचुएशन दूंगा, मैं हीरो तू हीरोइन। अच्छा, मामला बदल गया। तेरी तो मुझे लत लग गई, लग गई। Ouch. ये मेरी हीरोइन को दाढ़ी भी है। Not fair, not fair at all. रिलैक्स करके नहीं आई हूँ। ओह शाबाश। ग्रैंड मस्ती के सुपरस्टार, अब चल करते तेरे साथ थोड़ी मस्ती। अभी तुझे रोमांस करना है मेरे साथ। मैं पिक्चर छोड़ दूंगा। तू पिक्चर छोड़ देगा? बड़ा कमीना है, बड़ा कमीना है। आपको क्या लगता है आज कौन लेके जाएगा बेस्ट फिल्म? जितनी फिल्में बनी हैं सब अच्छी हैं, सब इस लायक हैं कि उनको पुरस्कार दिया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जजेस, जूरी जो भी देख रहे हैं इसे, उनका जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। दीपिका, आपकी फेवरेट डायलॉग आपकी रामलीला फिल्म से? फिगर पे मत जा, ट्रिगर दबा। अच्छा, फिगर पे तो जाना ही पड़ेगा, आप इतनी अमेजिंग लग रही हो। आज आप पहली बार एक अवार्ड फंक्शन में आए हैं, ये कैसे हुआ? ये फिल्म फेयर का अवार्ड हुआ है कि मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ और परफॉर्मेंस से पहले यहाँ पे यू नो सामने बैठकर कुछ परफॉर्मेंस देखूंगा। और अवार्ड फंक्शन में आना, परफॉर्म करना कोई बड़ी बात नहीं। आई मीन आई ऑलवेज डन दैट। आपको क्या लगता है आप जीत पाएंगे आज? मुझे जीतना चाहिए। आई थिंक स्पेशल 26 की परफॉर्मेंस इज वन ऑफ माई 10 मोस्ट फेवरेट परफॉर्मेंसेज।
आप नॉमिनेट हो, आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे जीत पाएंगे? वेल, उम्मीद तो यही है, इसलिए आए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू नो आपका भागिंग का पोजीशन क्या होगा। भागिंग का पोजीशन, भागिंग का, देखा ये पहली बार पूछा ना किसी ने, क्या करना आपको? सर, भागिंग का पोजीशन ऐसे भागना। हाँ, आई लाइक इट। ओएस ओएस हाय, एक्चुअली इट्स अ बिट लाइक पंजाबी गिद्दा। इट इज काइंड ऑफ, हम करें थोड़ा सा मिल्खा जी, वो तो पंजाबी। मेरे राजकुमार आ गए। वाओ, नहीं पर ये शूज मुझे लगते हैं कि ये होंगे एटलीस्ट 2000 के ना। $2000 करेक्ट किया। डॉलर में काम करते हो आजकल, देखो नॉमिनेशन क्या हो गया। अरे तो डॉलर और रुपये के छोड़ दो, फिल्में इंटरनेशनल लेवल पे जा रही हैं तो मतलब जूते भी पहुंच जाने चाहिए। जेहो का एक डायलॉग, आम आदमी एक सोतावा शेर है, उंगली मत करो, जाग गया तो चीर फाड़ देगा। तेरे बड़ा मजा आ रहा है, बड़े बड़े स्टार आए चंकी दे अड्डे विच, बड़ा मजा आ रहा है, कितने खूबसूरत हीरोइनी आए मेरे अड्डे विच, बड़ा मजा आ रहा है, मैं रियली एंजॉयिंग। सड्डा साहब, हाँ बोलो। मैंने कुछ सुना है आपके बारे में। अच्छा या बुरा सुना है? बहुत बुरा। बुरा तो बताओ, जल्दी बताओ। मैंने सुना है कि आप प्रोड्यूसर नहीं है। सच बताऊं, मैं प्रोड्यूसर नहीं हूं लेकिन बनना चाहता हूं। मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ। तो वी आर इन द राइट प्लेस, द फिल्म फेयर रेड कार्पेट, या इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर स्टार्स आए, व्हाट कनेक्शंस वी आर मेड यार। मुझे तो लगता है अपना फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। ऑफ कोर्स है, क्योंकि शुरू होने वाला है द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स नाइट ऑफ इंडिया, द आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड, पावर्ड बाय पीसी ज्वेलर्स, सबसे बड़ा सबसे कूल। ओए हैंडी, सुना अंदर शो शुरू होने वाला है, चल जाके देखते हैं। पर हमारे पास पासेस नहीं है। ओ, मैंने तो मेरा पास भेज दिया एंडी, चल जाके लगाते किसी को शेंडी पास। चलो वेरी 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 गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, टू द 59th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स 2014. ये आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स है, लेकिन आप सबको कोई आइडिया नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला। सबसे पहले तो अवार्ड शोज ना सिर्फ आधे घंटे के होते हैं, आप सब आते हो, खाना खाते हो, पीते हो, नाचते हो, फिर घर जाके पता चलता है कि आपने अवार्ड जीता है कि नहीं। क्योंकि मैं फ्यूचर से आया हूँ, आई नो एग्जैक्टली हु इज डूइंग व्हाट। लेट मी स्टार्ट विथ मिस्टर संजय लीला बंसाली, माय फर्स्ट डायरेक्टर, माय मेंटर, माय गॉडफादर। सर, आपने म्यूजिक डेब्यू तो कर ही दिया, लेकिन फ्यूचर में सर आप फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, प्लेबैक सिंगर फीमेल, प्लेबैक सिंगर मेल, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सेट डिजाइनर, लिरिसिस्ट, हीरो, हीरोइन और ऑडियंस भी। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर मिस्टर संजय लीला बंसाली, वेलकम बैक विद अ बैंग सर। मुकेश भट्ट साहब हैं, मुकेश भट्ट साहब। ओ सर, खुशखबरी है, आपकी आशिकी 22 ने 2 दिन में 1000 करोड़ रुपए बनाए हैं, 1000 करोड़ सर। बट सर, ताजुब की बात यह है कि आपका बजट जो 10 करोड़ का था 2051 में 11 करोड़ हो गया है। मिस्टर सचिन तेंदुलकर सर जी, सर जी काय कमाल केला तुम्हें, आपका नाम रखा गया है सचिनेश्वर महाराज, आपके नाम के मंदिर भी बने हैं। अनुपम अंकल, आप इधर क्या देख रहे हो, भगवान को भी नजर आते हैं, कहाँ देख रहे हो? भूषण जी, भूषण जी आप हो हमारे म्यूजिक पार्टनर, टी सीरीज ट्रूली टेरिफिक सीरीज, आपकी तो चांदी है सर। 2051 में अगर रास्ते पे कोई सीटी भी मार रहा है ना, आप उसे रॉयल्टी लेते हो। सुप्रिया पाठक जी आप हो यहाँ? हेलो, माय मदर फ्रॉम वेकअप सिट, गुड टू हैव यू हियर मैम। आपके लिए एक सीक्रेट है, आज रात ही आप एक और चीज के साथ घर जाने वाले हो, मैं अभी बताऊंगा नहीं लेकिन शो के दौरान आपको पता चलेगा। एनीवेज, आपको लगता होगा कि आज का भी जमाना क्या जमाना है, फिल्में थिएटर से ज्यादा ट्विटर पर चलती है, लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा कि फ्यूचर में जहां से मैं आया हूं, इस एरा को गोल्डन एरा कहा जाता है।
लोग इस युग की मिसाल देते यार, क्या समा था क्या जमाना था। अरे उस जमाने में कितनी मेहनत से फिल्में बनती थी, कितनी मेहनत से, और 24 घंटे में पायरेटेड डीवीडी आ जाती थी। एनीवे जोक्स अपार्ट, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने आगे जाके बहुत तरक्की की है। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर दैट। एंड आप लोग को थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा कि मैं फ्यूचर से आके इतना यंग और क्यूट और सेक्सी कैसे लग रहा हूँ? इसके पीछे एक राज है। ये है रेखा सीक्रेट एंटी एजिंग टॉनिक। एक चम्मच साल में एक बार और खूबसूरती का सिलसिला बार बार लगातार। चलिए छोड़ो कल की बातें, कल की बात सुहानी, लेकिन हमारा आज भी बहुत अच्छा है। 2013 वॉज अ ग्रेट ईयर फॉर अस। बहुत सारी अच्छी फिल्में आई देखने को मिली और उनमें से 5 पहुंची है बेस्ट फिल्म के नॉमिनेशंस में। भाग मिल्खा भाग, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर राकेश मेहरा एंड द टीम ऑफ भाग मिल्खा भाग। चेन्नई एक्सप्रेस, ऐसी चिल्ली कि कोई छीन भी खींचता ना तब भी नहीं रुकती। शाहरुख सर मेगा स्टार्डम एंड ऑफ कोर्स दीपिका पाडुकोन, आप तो खुद बॉक्स ऑफिस की एक्सप्रेस निकली। यू आर ट्रूली 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 द उम्मीद फॉर प्रकाश फॉर एवरी फिल्म मेकर। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर द गर्ल विद द मिडास टच एंड एंटायर टीम ऑफ चेन्नई एक्सप्रेस। गोलियों की रासलीला रामलीला। बंसाली सर एकदम टॉप फॉर्म में, बॉक्स ऑफिस पे फुल रासलीला। एंड रणवीर सिंह, तू क्या हीरो निकला यार, क्या हीरो निकला, अनबिलीवेबल। रांझना ब्यूटीफुल मूवी, ब्यूटीफुल। धनुष, आपका नाम धनुष है लेकिन आप सीधे पान की तरह ऑडियंस के दिलों में बस गए। वी एक्सपेक्ट सम ग्रेट वर्क फ्रॉम यू एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर आनंद एंड राय। रांझना एंड ऑफ कोर्स ये जवानी है दीवानी। अगर जी आप सुभाष जी आप कुछ बोल दो, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, आपने मेरे साथ कभी काम नहीं किया, मेरे फिल्म की कोई झूठी तारीफ कर लो। क्या कहूँ, बहुत कुछ कहूँ या थोड़ा कुछ कहूँ? थोड़ा ज्यादा कहो सर, फुटेज मिलती है मुझे। मैं जब भी तुम्हें फिल्म में देखता हूँ तो मैं हमेशा इतने प्यार से देखता हूँ कि तुम गलत भी कर रहे हो तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि तुम मुझे तुम्हें देख के राज्य की याद आती है, ऋषि की याद आती है, तुम्हारे सब घर वालों की याद आती है, और एक छोटा सा बच्चा बड़ा होते 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 जो भी कर रहा है बहुत खूबसूरत कर रहा है। जवानी दीवानी अच्छी फिल्म है, सुंदर फिल्म है, लेकिन इतनी गलतियाँ करने के बाद भी तुम इतने बड़े हिट हो गए और इतनी बड़ी हिट करा दी। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अरे अरे सर, आप कहाँ हो? फिल्मफेयर अवार्ड्स 2051 शुरू होने ही वाला है। ये मेरा क्लोन है, हम सबके क्लोन हुए, इसे बारे में आपको बाद में बताता हूँ। बोलो कपूर टू, वहाँ क्या हो रहा है 2051 में? हाँ सर, यहाँ माहौल बड़ा खुशनुमा है। फिल्मफेयर अवार्ड्स 2051 जारी है और अपनी फिल्म नॉमिनेट हुई है बेस्ट फिल्म के लिए। बेशरम दोबारा बधाई हो सर। क्या लग रहा है, चांसेस क्या लग रहे हैं, जीत सकते हैं? बहुत अच्छे चांसेस लग रहे हैं सर, लेकिन टफ कंपटीशन उस प्रियंका चोपड़ा वाली फिल्म से हो सकती है, लव स्टोरी 2050। ओके ओके, चलो मैं यहाँ 2014 में 59th आइडिया फिल्म पर अवार्ड होस्ट कर रहा हूँ, तुम वहाँ संभाल लेना, ठीक है? सर आप टेंशन मत लो, मैं भी तो आप ही हूँ। क्या हुआ क्या हुआ? OMG सर, आप बिलीव नहीं करोगे कि कौन आया है। कौन आया? अनु मले। अनु जी वी लव यू, आज भी और उधर भी। एनीवेज चलिए अब वक्त आ गया है टू सेलिब्रेट द सिनेमैटिक ब्रिलियंस ऑफ 2013। इस बार आइडिया फिल्म पर अवार्ड्स की ट्रॉफी एकदम अलग है, डिजिटल 3D मॉडल की स्कल्पटिंग है। धनुष लड़की नहीं, अवार्ड। फिर डिजाइन एंड स्टेबिलिटी चेक्स हुए हैं और फिर लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत मेहनत की है भाई और अवार्ड लाजवाब है, 3D। थैंक यू। अभी थैंक यू टू PC ज्वेलर्स फॉर दैट। अभी ब्यूटीफुल ट्रॉफीज किन के हाथ लगेंगे किन के नहीं, ये डिसाइड किया है हमारी एस्टीम जूरी ने, कंप्राइजिंग ऑफ इन द पॉपुलर जूरी वी हैव ए मुर्गा दोस, अनु मलिक, अनुराधा पौडवाल, बोनी कपूर, होमी अजानिया, करिश्मा कपूर, हाय लोलो, कुणाल कोहली, प्रिया दर्शन, उर्मिला मटोनकर, उषा उत्तप।
and our technical and critics jury, Kabir Khan, Sujoy Ghosh, Madhur Bhandakar, Honor, Nishikant Kamath, and Umesh Shukla. Let's hear it for our jury. So, pehla award hai for best costume, yani kisne kisko achhi se pehnaya. And the winner is Dolly Aluwalia. Star, thank you so much, Rakesh ji. Thank you, Sunil ji. Thank you. I would be incomplete if I don't take the name of my team. Thank you, my assistants. Thank you, Dada. Thank you, washermen. Thank you, dressmen, everybody. Thank you so much to Filmfare for recognizing, respecting the work that we all did together to make Bhag Milkha Bhag. Thank you so much. अगला अवार्ड है उनके लिए जो कान के बिल्कुल कच्चे नहीं हैं, बल्कि कान के सबसे अच्छे हैं। The 59th Idea Filmfare Award for Best Sound Design. The winner is Biswadeep Chatterjee and Nihar Ranjan Samal, Madras Cafe. Thank you, Shujit, for being a wonderful director and giving us this opportunity. Ronnie, for being a wonderful producer. And everybody else on Madras Cafe. Next up is the Idea Filmfare Award for Best Production Design. And the winner is Acropolis Design, Sumit Basu, Snigdha Basu, Rajneesh Hidao for Bhag. Well, अगला अवार्ड है फॉर बेस्ट कार्ड चार्ट यानी बेस्ट एडिटिंग द विनर इज आरिफ शेख डीडे निखिल इज देयर आई थिंक एक्चुअली ट्रूली इट बिलोंग्स टू हिम माय डायरेक्टर निखिल थैंक यू निखिल थैंक यू सो मच अब बारी है फॉर अ लाइव परफॉर्मेंस बाय अ लाइव वायर परफॉर्मर वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट प्लीज वेलकम द एक्सेप्शनल द एक्स्ट्राऑर्डिनरी शाहिद कपूर अब बढ़ते हैं अगली टेक्निकल अवार्ड्स की ओर अबे ये है रामलाल आ जाओ रामलाल तू यहां क्या कर रहा है रजनीकांत पागल ये नॉर्थ अवार्ड्स है वो कभी कभी साउथ अवार्ड्स में अपना चेहरा दिखाते हैं हाँ अभी तू आया तो कोई अवार्ड्स देके जा ठीक है खड़े रहे ये अवार्ड है फॉर द बेस्ट सिनेमा की आंख यानी बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और इसे प्रेजेंट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर कबीर खान एंड मिस्टर सुजॉय घोष एंड द विनर फॉर द फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी इज कमलजीत नेगी फॉर मद्रास कैफे कमल्स नॉट हियर टू टेक द अवार्ड And this is for him. I'm sure he'll thank everybody else. And he's out on the shoot. And thank you. अगले अवार्ड की जो रेसिपिएंट है वो कंपोजर है लेकिन ऐसे म्यूजिक के जैसे विलेन की बैंड बजती है ये है द फाइट कंपोजर इन्हें मिलेगा द बेस्ट एक्शन इन 2013 एंड द विनर इज Thomas Strutters and Guru Bachchan for D-Day. Congratulations to the team of D-Day. Next up is the award for Best Background Score.
And the winner is? Hitesh Sonic, Kai Pocher. Roothe khabo ko mana lenge, roti patanglo ko thamenge. Hai jazba, hai jazba, sul ja lenge ulje rishto ka manja. Thank you, Filmfare. Thank you, everybody, for this. Big thanks to Gattu for entrusting me with this very, very special film. Guys, thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Congratulations. Thank you, Kabir. Thank you, Sridevi. Next is the award for Best VFX. To present this award, may I invite on stage Ms. Diva Universe and Gurleen Garewal, Ms. Diva International. And the winner is? Tara Alexi for Dhoom 3. Ranveer Singh, can you represent Yash Raj and please collect the award for Dhoom 3? Thank you. Ladies and gentlemen, Ranveer Singh. Hey, Ranveer. Ram Lal ji kuch kehna chahega? Bichara kab se khada hai yaar. Ram Lal ji. Abhi mere saath dance karo, main gaunga aur hum saath mein dance karenge. राम जी की चाल देखो आंखों की मजाल देखो करे ये बवाल देखो पूरे ब्रह्मांड का करे बुरा हाल देखो थैंक यू हैव अ ग्रेट नाइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी To present this award, may I call upon stage Mr. Prakash Paranjpe, Chief Information Officer, Idea Cellular, and Amrita Rao. Lovely evening, Filmfare. Looking Hi, very Ranveer. Lovely, Amrita. Thank you. You too, sir. The Idea Filmfare Award for the best choreography goes to Samir and Arsh Tanna for Lahu Mul Lag Gaya. Lahu Mul Lag Gaya. Lahu Mul Lag Gaya. Roya tha nas nas mein ab ye jag gaya. Thank you, Ramlal. Aap ja sakte ho abhi. Anyways, maine dekha के शो में मेरी को होस्ट प्रियंका चोपड़ा थी तो एक काम करता हूं आज की नहीं फ्यूचर वाली प्रियंका चोपड़ा को बुलाता हूं जिसकी मैं सेक हाँ कपूटू बोलो क्या हो रहा है वहां फिल्मफेयर अवार्ड्स 2051 के शो पर सर अंदर शो फुल स्विंग में चालू है और आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ आमिर खान स्टेज पर है यकीन नहीं हो रहा यार अवार्ड ले रहे नहीं सर्कस कर रहे और कोई खास खबर वहां की काफी सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं सर अभी अभी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के एक्टर्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है सर वाह वाह अच्छा सुन प्रियंका चोपड़ा ना या मेरी कोहोस्ट थी वो कहां है डू यू नो वेयर शी इज सर वो अभी परफॉर्म करने वाली है तो जल्दी बोल देना और हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं यहाँ सर वो सिस्टम से अपलोड करने को टाइम लगेगा अबे अपना फोन पे शूट करके सीधा पैच करना रोजर दैट So ladies and gentlemen, presenting meri co-host and achhi dost, Priyanka Chopra, live in 2051. Let's hear it for Priyanka Chopra. Aur jab tak Priyanka hume join nahi karti, hum kuch logon se baatein karte hain. Starting with Javed Saab. जावेद साहब हमारा थीम जो आज है ना वो भविष्य का है फ्यूचर का है जी तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में लिरिक्स कैसे होंगे बस यही दुआ करता हूँ आज जैसे ना हो बाकी सब ठीक है एब्सोल्युटली थैंक यू हाय लोलो हमारे एक और बहुत अच्छे दोस्त है मिस्टर रमेश तौरानी जी रमेश तौरानी जी की कंपनी का नाम है टिप्स वुड यू लाइक टू गिव हिम सम टिप्स ऑन हेल्थ ऑन हेल्थ
Oh my God. मैं एक चीज कहना चाहूँगी कि I've been working with Ramesh ji for many many years, right from my first time in tips in Coolie number one. और तब से आज तक Ramesh ji काफी पतले हो गए actually. So let's give Ramesh ji a big round of applause for that. Hi Neil. Neil. एक नया फिनोमेनन हम आजकल देख रहे हैं ट्विटर पर कि आपके जो जोक्स बन रहे हैं आपका फेवरेट वाला कौन सा है? माय मोस्ट फेवरेट वन एक्चुअली इज कि जब नील एक लकीर खींचता है ना तो ट्रायंगल बन जाता है. बिग हैंड फॉर नील नितिन मुकेश. लास्ट बट नॉट द लीस्ट. हेलो रेखा जी, कैसी हैं आप? आप ही बता दीजिए मैं कैसी हूं. रेखा जी, हमने जो आज मैंने एक सवाल पूछा था, मैं कैसी हूँ? टिप टॉप, गॉर्जियस एज ऑलवेज मैम. डिटो. रेखा जी, आपके फिल्म का नाम है खूबसूरत, तो ये डिस्क्रिप्शन आपसे ज्यादा किसको सूट करेगा? आपको. अरे क्या मैं आपके साथ एक डायलॉग बाजी कर सकता हूँ? ये मेरी मतलब बचपन से चाहत थी, जो भी मैंने आपको बड़े स्क्रीन पर देखा था. जरूर. पूछ. कैन आई होल्ड योर हैंड? नर्वस हूँ मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं. तुम होती तो कैसा होता? तुम ये कहते, तुम वो कहते, तुम इस बात पर हंसती, तुम उस बात पर हैरान होती. तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता. मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं. आई लव यू. Big round of applause for the legend Rekha ji. I love you too, and how? Thank you. Nobody will love you the way I love you. Thank you. Always remember that. Let's hear it for Rekha ji. Ladies and gentlemen, please welcome my co-host 2051 ki Priyanka Chopra. Zordar taaliyan. Fans. Thanks. Sara Zamana, Lady Gaga ka Divana. Future mein international music scene mein inse badi artist hai hi nahi. She's fantastic. She's fabulous. She's fantabulous. Lady Gaga. Oh, stop. Thank you, ladies and gentlemen. And he is Ranbir Kapoor. By the way, I love your smile. Huh? Yellow is my favorite color. ये बहुत अच्छा गाती है. सो लेडी गाना एक गाना हो जाए. सोनी धा पामा गौरी सा. वाह, काहे की लेडी और कौन सा गाना? कुत्ती. तुमने मुझे कुत्ती कहा? ऑफ कोर्स नॉट. ये मेरे रोबोट डॉग का नाम है. इसका नाम है कुत्ती. डोंट गिव योरसेल्फ सो मच इम्पोर्टेंस. से हाय कुत्ती. हाय कुत्ती. बिल्कुल तुम पे गई है. हाँ, इसको भी कुत्ते अच्छे नहीं लगते. लेडी गाना, मुझे लगा यहाँ रणवीर होस्ट कर रहा है. मैं कितनी एक्साइटेड थी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ रणबीर है. ओह, कुत्ती, ऐसी बातें पब्लिक फंक्शंस में नहीं कहते. नहीं, रणबीर बेटर है. उसकी वो मूंछें, वो दाढ़ी, हाय कैसे बनाई होगी. मैं कहता हूँ वो खुद की एक फिल्म देखने गया, लुटेरा. ब्यूटीफुल मूवी, लेकिन फिल्म खत्म होने से पहले ना उसकी दाढ़ी मूंछ बढ़ गई. आउच. शायद रणबीर तुम अपनी फिल्म भूल रहे हो. चल बेशरम. अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुमने ऐसी फिल्म की क्यों? एक आध ऐसी फिल्म करनी चाहिए यार, ताकि यू नो करियर को नजर ना लगे. हाँ, लेकिन इतना क्रिटिसिज्म मिला, लोगों ने ऑलमोस्ट कपड़े फाड़ दिए, कि तुमने हैंडल कैसे किया? हाउ? मैं ऐसी जगह चला गया जहाँ कोई था ही नहीं, एकदम एकांत. ऐसी जगह तुम्हें कहाँ मिली? मिली ना वो थिएटर जहाँ तुम्हारी जंजीर लगी थी. आगे बढ़े प्लीज. Well,
Well, ladies and gentlemen, 2013 में फिल्मों में हमने बहुत कुछ देखा. Indian traditions, cultures, कमीना हीरो, कमीनी हीरोइन, एकदम bold dialogues, गालियाँ. बस 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 PC, तुम सिर्फ रामलीला के बारे में बात करोगे या दूसरे फिल्म्स के बारे में भी बात करोगे? Well, fine, आगे बढ़ते हैं और इन सब को बताते हैं कि फ्यूचर में हिंदी फिल्मों के लिए क्या है. फ्यूचर में हिंदी फिल्मों में बहुत कुछ है. क्यों? क्योंकि हॉलीवुड वाले अपनी फिल्में Filmfare Awards में भेजते हैं फॉरेन फिल्म कैटेगरी में एंड हम रिजेक्ट करते हैं. रिजेक्ट. याद है ना लेडू, पिछले साल 2013 में हमने एक इतनी अच्छी फिल्म बना के ऑस्कर्स भेजी थी और वो कैसे बेरहमी से हमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. मम्मी मम्मी. एनीवे, फ्यूचर में बहुत सारी अनोखी चीजें हुई थी लेकिन शुरुआत हुआ 2013 में इंडिया का सबसे फर्स्ट ज़ॉम्बी फिल्म गो गोवा गॉन. वैसे जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, गो गोवा गॉन पहली हिंदी ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है. हा? क्योंकि मरी भी एक्टिंग हम पहले भी देख चुके हैं. एनीवेज, क्रिश 37 में क्रिश मुंबई की लोकल ट्रेन में सक्सेसफुली चढ़ पाता है क्योंकि उसके पास है रजनीकांत का फौलाद और आलोक नाथ का आशीर्वाद. अरे आलोकनाथ बाबा. अरे और उनके आशीर्वाद से कृष को ये एहसास हो जाता है कि आम इंसान बनना बहुत मुश्किल है. अ सल्यूट टू द कॉमन मैन ऑफ इंडिया. किसी महापुरुष ने कहा है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन. लिसन गन्नू, अब यहाँ आए हैं तो कोई महापुरुषों को अवार्ड दे. He must, of course. Please. Oh, by the way, RK, मैं musically introduce करूँ? मैं ना बोलूँगा तो नहीं करोगे? तब तो और भी करूँगी. तो करो. Okay then. Hey Ganu. हाँ. You know, उधर, you know जो soprano singer होते हैं ना, वो कैसे अपनी ऊँचे सुर में glass को तोड़ देते गाके. तुम क्या इस glass को अपने ऊँचे सुर से तोड़ सकती हो? Soprano. Of course. Sao ni dha ba ma ga re sa. Easy does it. Anyways, musically 2013 bhi isi tarah violent tha. Bada hi alag tha. With violent and odd words, with songs like jahan ishq kya hua dish kya hua. Ishq ki ma ki, ishq gangster. Dish kya hua dum 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 dum. Tamanche pe disco. Aur wo tumhara kaun sa tha? Wo Bhattamiz dil? ये तो नहीं था. ये क्या कर रहे हो? अरे ग्रैंड अनाउंसमेंट कर रहा हूँ यार. अगला जो अवार्ड है ना, आइडिया फिल्म फेयर आरडी बर्मन अवार्ड, मुझे भी किसी दिन मिलने वाला है. दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है. ये तो है वैसा अवार्ड जो 20 साल पहले हुआ था, द आइडिया फिल्मफेयर आरडी बर्मन अवार्ड फॉर अपकमिंग टैलेंट इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक. टू डू द ऑनर्स, वी लाइक टू कॉल ऑन स्टेज सृष्टि राणा, मिस डीवा विनर एंड एशिया पैसिफिक एंड विवेक ओबेरॉय. द आरडी बर्मन अवार्ड गोज टू सिद्धार्थ महादेवन फॉर हिज ब्रिलियंट Brilliant form in Bhaag Milka Bhaag. को बोलो ना एक लाइन गाना. ओह हम सिद्धार्थ, सॉरी कुत्ती को कोई ना नहीं बोल सकता ना, शी इज डैम्ड डाइसी. आप कुछ तो गा के सुनाना पड़ेगा. डेफिनेटली. ओह थैंक्स. सी लिसन्स. जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले कंचा, फूटे चूरा कांच कर ले जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले. I've only come with dad for all award functions whenever he's been nominated. Can't tell you what it feels like standing here. I'd like to thank Rakesh uncle, Prasun sir,
Shankar Ehsaan Loy, I think they deserve this award too. Music of Bhag Milka Bhag was truly, I think, one of the best albums of last year. I'd like to thank Farhan for what he did on screen, was spectacular. And this award, I'd like to dedicate it to my mom, the Black Lady. Thank you. Congratulations. Agla award hai for Best Playback Singer Female. And the nominees are... Shreya Ghoshal, Sun Raha Hai Na Tu, Aashiqui 2. Shreya Ghoshal, Nagada, Golio Ki Ras Leela, Ram Leela. Chinmay, Titli, Chennai Express. Monali Thakur, Savar Lu, Lutera, Shalmali Kholgade, Balam Pichkari, Ye Jabani Hai Diwani. And to present this award, I'd like to call on stage my darling Usha Uthup, ma'am, and Mohit Chauhan. Good evening, everyone, and it's great being here. And I'm standing over here with the legend, one and only, Ushaji. Ushaji, please. Thank you. Woo! What can I say except it's just marvelous to be here. As always, either giving or receiving. It's the Filmfare. Love you. All right, best playback singer female is Monali Thakur for Sawar Lo Lutera. Thank you so much. Now I know what it means actually to be speechless on stage. And oh God, Ma, Baba, Didi, Shudipdada, Tipu. You guys are everything in my life. That's my family, people, and you guys are everything. Thank you, Idea Filmfare Awards 59. Thank you so much. Thank you. Monali, I'm sorry. Tipu ke liye aur kutti ke liye gana gana padega. Hawa ke jhonke aaj mausamon se rooth gaye. Badal rahi hai aaj zindagi ki chaal zara. Isi bahane kyun na dil ka haal zara. Sawar loon, sawar loon, sawar loon, hai sawar loon. Thank you. Thank you so much. Thank you, Usha ma'am. Thank you, Mohit. आप लोगों को पता है 2051 में भी Filmfare Awards हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे कूल अवार्ड है. And today we'd like to thank Mr. Vineet Jain. Where are you, Vineet? Right the man of the hour. For giving us this prestigious and special occasion to celebrate the best talent in our industry. Thank you. अगला अवार्ड है for Best Playback Male. Let's take a look at the nominees. Arijit Singh, Tum Hi Ho. Aashiqui 2. Siddharth Mahadevan, Zinda, Bhag Milkha Bhag. Ankit Tiwari, Sun Raha Hai Na Tu, Aashiqui 2. Benny Dayal, Battameez Dil, Ye Jawani Hai Diwani. Amit Trivedi, Manjha, Kaipoche. And to present this award, we'd like to call upon Ayushman Khurana and the lovely Konkana Sen Sharma. Hi everybody. Last year I made my debut as an actor. This year I'm making my debut as a presenter. Thank you, Filmfare. पिछले साल मिला था इस साल दे रहा हूँ बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल गोज टू
Arijit Singh for Tum Hi Ho Aashiq. तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा. Go for it, man. I will thank, I don't know, it's countless that I can thank people. I'll just sing and take your leave, guys. क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो. Thank you very very much. Lady Gaga's a big fan, just to say. Big fan. Thank you so much. Thank you, Arijit. Thank you, Ayushman. Thank you, Coco. Well, ab bari hai Idea Filmfare Best Lyrics Award ki, and the nominees are Mithun, Tum Hi Ho, Aashiqui 2, Amitabh Bhattacharya, Shikayate Lutera, Amitabh Bhattacharya, Kabira, Ye Jabani Hai Diwani. Prasoon Joshi, Zinda, Bhag Milkha Bhag. Swanand Kirkire, Manjha, Kai Poche. And to present this award, I'd like to call on stage Neil Nitin Mukesh and Nimrit Kaur. Good evening, everybody. The Filmfare for the Best Lyrics goes to Prasoon Joshi for Zinda Bhag Milkha Bhag. Thank you, Filmfare. It's always special to win a Filmfare, so thank you very much. So the next award is for Best Music, and the nominees, please. Pita, Ye Jawani Hai Deewani. Vishal Shekhar, Chennai Express. Amit Trivedi, Lutera. गुलों की शोखियां जो भवरे आके लूट गए क्योंकि तुम ही हो. अंकित तिवारी मिथुन एंड जीत गांगुली आशिकी 2. अब तुम ही हो. तेरे के मन बहके बहके ए आर रहमान रंजना दिल की बात जाने कायनात तेरे दिल की खबर बस मुझको ढोल बाजे संजय लीला भंसाली गोलियों की रास लीला Ram Leela. और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी भूषण कुमार एंड द लवली दिव्या खोसला कुमार. हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. द आइडिया फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक गोज टू आशिकी 2 मिथुन. Smiling over there with a very warm heart. Thank you to Bhatt Saab. Thank you to this man here, Mr. Bhushan Kumar. And one very important person I would like to thank is my father, Naresh Sharma. 24 years back, he was the music arranger for Aashiqui. And today I dedicate this award to you, Dad. सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा मुकेश जी का, भट्ट सर का, मोहित सूरी का और भूषण जी का, जिन्होंने बिलीव किया मेरे म्यूज़िक पे
और मैं अपना गाना मेंशन करना चाहूँगा, माय सॉन्ग इज सुन रहा है तू रो रहा हूँ मैं, और मैं उसकी एक लाइन गाना चाहूँगा। मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी जमानत है, तू मेरी अमानत है, अपने करम की करदाए कर दे इधर भी तू निगाहे, सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू क्यों रो रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स। अरे गाइस 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 बिफोर यू गाइस ऐसे थोड़ा रोक देते हैं, एंड इतने अमेजिंग म्यूजिक के लिए मुकेश सर आपको तो आना ही पड़ेगा स्टेज पे। सर प्लीज। I heard, believe me, more than 1800 tunes over the last 2 years, and the journey of Aashiqui 2 started till I found this jewel. Ankit, Mithun, and Jeet Ganguly, the three aces. I don't call them musicians, I call them magicians. They struck a chord so pure, so close to their heart. It was like the Gangotri of music coming out from them. And I can tell you one thing today, with tremendous confidence, that these are the music directors of tomorrow. Each one of them has 1,000 melodies in their heart. And watch these guys, they are going to go great guns. Thank you so much. अब जो मोहतरम आ रही है इनके बारे में कुछ फरमाएं। इरशाद, इनकी स्माइल ऐसी है कि चांद से भी नजर आ जाए, इनकी चाल ऐसी है कि हिरनी भी कॉम्प्लेक्स खा जाए, इनका असर ऐसा है कि हमारी धक धक रिक्टर स्केल पे मेजर हो जाए, और इनको दीदार ऐसा है कि मुंबई की ट्रैफिक भी बादलों की सैर जैसी लगने लगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडियाज धड़कन फॉरएवर, माधुरी दीक्षित नेने। लेडीज एंड जेंटलमैन, Please put your hands together for Karan Johar. Good evening, ladies and gentlemen. 2013 और इस साल में अब तक जहां हमने बहुत कुछ पाया, वहीं बहुत कुछ खोया भी। I was extremely fortunate कि ये जवानी है दीवानी में मुझे फारूक शेख साहब के साथ काम करने का मौका मिला। Such a wonderful and kind gentleman. Farooq Sheikh sahab ke alawa, Sushitra Sen ji ne bhi hamara saath chhod diya. Aisa khalipan de gaye, jise bharna namumkin hai. Hum keh sakte hain ki aur kahi sare hamare karibi hastiyan hamesha ke liye chhod kar chali gayi. We pray for their souls and wish ki wo jahan kahin bhi hain, khush hain.
और अब जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो बिलोंग करती हैं फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही जाने माने परिवार को. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म हमारी बेटी से. एज अ हीरोइन इनकी पहली फिल्म थी छबीली एंड शी वॉज एग्जैक्टली दैट द परफेक्ट मिक्स शराफत एंड शरारत. ना सिर्फ ये मेरी सबसे करीबी दोस्त काजल की माँ होने की वजह से क्लोज टू माई हार्ट है बल्कि इनकी कई परफॉर्मेंसेज जैसे बहारें फिर भी आएंगी, अनुभव और ज्वेल थीफ मेरा एक हिस्सा बन चुकी है. अपने ग्लोरियस करियर में इन्होंने अनगिनत किरदार निभाए और काफी सारी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पे कामयाबी दिलाई. ये उन नायाब कलाकारों में से हैं. नायाब कलाकार इज अ बिग थिंग टू से ऑन स्टेज. How can you do this to me? It's your mother's award. You do it to all your actors. Mom, this speech has to end. ये उन नायाब कलाकारों में से हैं. This one word is up. Now I'm going to get it. में से एक है जिन्होंने. Sorry. ये उन नायाब कलाकारों में से हैं. No, it's not that an egg. ये उन नया कलाकारों में से एक है जिन्होंने भाषा की सीमाओं को पार किया. भाग मिल्खा भाग टू द रेस्क्यू. ये उन नया कलाकारों में से एक है जिन्होंने भाषा की सीमाओं को पार किया. She was equally at ease in a Marathi, Gujarati or Bengali film as she was in a Hindi one. She was a proud recipient of the Filmfare Award for her amazing performance in the 1969 film Paisa Ya Pyar. Ladies and gentlemen, may I please invite on stage the legendary Amitabh Bachchan to do the honor. She came into the firmament like a breath of fresh air, a very warm breeze on a cold and winter morning. Vibrant, carefree, pulsating with energy, unconventional. She was my first leading lady in a film called Pyar Ki Kahani, which was a remake of another great Tamil film called Kaigurtha Devam. And I shall ever be grateful to her for having agreed to work with me in that film. She, a glorious star, and me, a struggling newcomer. It is my great privilege, ladies and gentlemen, and very great honor to present the Lifetime Filmfare Award to this great star, Tanuja. जो भी चाहे कहिए. Good evening, everybody. This award actually is for all my colleagues, all the workers who have worked with me, all the makeup artists, the hairstylists, the spots boys, everyone in the film industry, because during my time, it was a family. And for me, it's still a family. So I would like to thank all of you. I am really grateful to all of you for being with me during this journey of mine. Thank you very much for all the lessons that I have learned, which made me who I am today. So thank you. Thank you, Tanu Aunty, for all those wonderful moments on screen. Chaliye,
और भी कई सारे अवार्ड्स रिसीव करने बाकी हैं, लेकिन फिलहाल रिसीव करते हैं हमारे सबसे एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक स्टार को. प्लीज वेलकम द अनमैचेबल एंड अनस्टॉपेबल रणवीर सिंह. Gentlemen, welcome back to the 59th Idea Filmfare Awards. मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ कि 2013 में मैंने एक्चुअली 6 फिल्मों में काम किया था, लेकिन ड्यू टू डर्टी पॉलिटिक्स 4 फिल्मों से मेरा रोल उन्होंने काट दिया. मुझे पता है आप लोग विश्वास नहीं कर रहे उसका फुटेज. आइए दिखाता हूँ आपको पहली फिल्म की, गोलियों की रासलीला रामलीला, जिसमें ओरिजिनली मैं हीरो था. Take a look. Kimcho. Bonsoli sir ke paas mera towel hai, towel. Savariya. Loki towel hai, Loki. Wapis chahiye mere ko. Tu yahan tak aa gaya. Main janta hu ki Bonsoli sir ko mera yahan aasan nahi lagega. Lekin main apna towel yahan se lekar hi jaunga. Tu pagal ho gaya. Koi dekh lega to aap pata chalegi. मैं चला जाऊंगा डार्लिंग, बस मेरा टावल मुझे ले जाने दे. लेके जाना, वैसे भी हम बेगानों का कुछ नहीं रखते. सल झूठी, मेरा रेजर ने सेविंग क्रीम अभी भी तेरे पास है. सॉरी. याद है हम डूम सराड खेलते थे? कैसे भूल सकते हो? तो पहचानिए कौन सा गाना है. तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है. अमिताभ बच्चन आखिरी रास्ता. सन अब तू कोई गाने की एक्टिंग. सिंपल लत लग गई जाकुलिन फर्नांडिस छे. इसी बात पे टोल लेने आऊं. मोल मचाए सोर. ये टाउल वाउल तो बहाना छे. मैं तेरे को सीक्रेट बताने आया. कुछ इनकम टैक्स वाले भाई पूछ रहे थे ये 400 करोड़ वाली हीरोइन कौन है. मैंने बोला पाडुकोन है. एक काहे का दुश्मन, मैं तो मजाक कर रहा था. मैंने उनको प्रियंका चोपड़ा का ड्रेस दिया है. राम चाहे लीला चाहे राम. मान गई ना? तभी तो आंखें लट रही थी बार बार तुझसे. मगर इसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा. हाँ होशियार हूँ, इसलिए तो स्पोर्ट्स फिल्म बनाने जा रहा हूँ. बैडमिंटन पे हिट फॉर्मूला छे, पर नाम थोड़ा टेढ़ा है. नाम में क्या रखा है? अरे नाम तो सुन दीजा, गालियों की रासलीला रैकेट को कोक में. ये फिल्म की शूट का पहला दिन था. उसके बाद उन्होंने रणवीर सिंह को ले लिया, वही नाम का कन्फ्यूजन. चलो बाकी 3 फिल्मों के फुटेज में आपको दिखाऊंगा, बट बिफोर दैट शुरू करते हैं अगले अवार्ड्स की प्रेजेंटेशन. फर्स्ट इज द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल एंड द नॉमिनीज प्लीज. हम लोग डरते हैं क्या? तुम लोग मेरी कल की कोच लेन, ये जवानी है दीवानी. मारेंगे हम लोग. सुप्रिया पाठक, गोलियों की रासलीला रामलीला. दिव्या दत्ता, भाग मिल्खा भाग. कुत्ते मर जा उस कुतिया के पीछे. स्वारा भास्कर, रंजना. भाड़ में जा कुंदन. मैं नीचे से आई हूँ. कोंकणा सेन शर्मा, एक थी डायन. लिफ्ट में. And to present this award, may I request Soha Ali Khan and Kunal Ghemu to come on stage, please. Good evening. The best actor in a supporting role, female, goes to Supriya Pathak Kapoor for Goliyon Ki Raas Leela Ram Leela.
Filmfare. Thank you very much. This is really an honor. For my first film, I had got a Best Supporting Actress Filmfare, and now I get it after so many years. And I'm so happy, I can't tell you. I thank my master for this. I thank my family, my husband, my children. They are the best in the world. And I love this industry so much. I love being a part of this place. And I hope that when I go from here, from this stage, from here. Thanks very much. Thank you, Filmfare. Thank you very much. Thank you. Thank you, Soha. Thank you, Kunal. The next award is for Best Actor in a Supporting Role Male. And the nominees are... Yaar, tere sapne, teri life, tere problems. Aditya Roy Kapoor. Ye Jawani Hai Deewani. Mera kya bani? Raja Dil Sand Ho Na. Pankaj Kapoor. Matru Ki Bijli Ka Mandola. Rajkumar Rao, Kai Poche. Ajju hamesha kehta tha ki wo aadmi paida hi nahi hua jo use pakad sake. Anupam Kher, Special 26. Asli power dil mein hoti. Nawazuddin Siddiqui, The Lunchbox. Mere virus ka anti Vivek Oberoi, Krish 3. Mere DNA se. And to present this award, may I request Madhur Bhandarkar and Neha Dhupia to come on stage. Good evening, ladies and gentlemen. The award for the best actor in a supporting role male goes to... Well, he's everybody's favorite nowadays. Nawazuddin Siddiqui, Lunchbox! Thank you so much. Thanks, Filmfare. I would like to thank my lovely director, Ritesh Batra, and the whole team of Lensbox. Thanks a lot. Thank you so much. Congratulations are very well deserved. Thank you, Madhur. Thank you, Neha. Coming back to mere kate hue role, maine Chennai Express ke liye bhi shoot kiya tha. Meenamma. Dekhiye. Where is the temple? Temple. This is the temple. English mein maa theko temple hi bolti. Aata maa ji sadakli, isko bhi temple bolti. Meenamma. Where is the temple? Wo mein jhoot boli thi Janu. Idhar temple nahi, disco hai. Entry fee only 300 rupees. 300? Par 100 mein to jannat ka stop aa jayegi. Are what swami? Socho. Disco, dim light, tum, main, aur phir? Lungi dance, lungi dance, lungi dance, lungi dance. Meenamma, please. Arre darling, tumhi to bola booty shake, booty shake, booty shake. Chalo na, saath milke booty shake. Never. Kya swami, itna bada superstar hoke common man jaisa baat karti. Don't underestimate the common of a power man. Kaisi aisi ulli ulli English bolti? Kahan se kari di aisi bakwas dictionary? Meenamma, please. Dekho, sweetie. Tum abhi toda upset hoti. To ek kaam karo, relax hoke kapal bharti karo. I mean, power of a common man. Good, Swami. Very good. I guarantee deti. Chennai Express kamaegi 300 crore rupees and more. Only if you do it with me. 1, 2, 3, 4, get on the dance floor. Maro Tali. Mujhe nikalne ka aur Deepika ko lene ka reason batao. Unhone kaha ki mere haath mein bahut baal hai. मैंने कहा देखो ये खानदानी बाल है मैं नहीं निकाल सकता तो उन्होंने मुझे ही निकाल दिया बट दीपिका व्हाट डू यू थिंक अगर मैं इस फिल्म में होता तब भी ये इतने पैसे बनाते मच मोर उन्होंने कहा मच मोर थैंक यू वी नाउ मूव ऑन टू अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी एंड टू प्रेजेंट दिस अवार्ड मे आई रिक्वेस्ट पूर्वा राणा मिस यूनाइटेड कॉन्टिनेंट वाइस क्वीन विनर एंड मनीष पॉल Good evening, ladies and gentlemen, and we are here to announce the award for the 59th Idea Filmfare Award 2013 for Best Story. And the award goes to... Subhash Kapoor for Jolly LLB. Woo!
Well, this is really surprising. To be nominated with such great films, such great stories, and winning it. This is my first Filmfare nomination. And I would like to receive on the behalf of the all nominees, I think, some wonderful work, wonderful stories, and wonderful films. Thank you so very much, Filmfare. And thank you very much. Have a great evening, guys. Congratulations, Subhash ji. हमारे जो म्यूजिक पार्टनर है ना टी सीरीज उनकी फिल्म आशिकी 2 उसमें भी मैंने म्यूजिक डायरेक्टर का रोल किया अच्छा किया था देखो ये नहीं हो सकता ये श्रद्धा क्या नहीं हो सकता हम गान बनाया तो कुछ भी हो सकता हमारा गान प्योर गोल्ड हम इस गान का चेन बना सकता है सर गाने का चेन हाँ गान बिना चेन कहाँ रे गान बिना चेन कहाँ रे बालोदा दादा ओड़ी बाबा फिर आ गया फ्लॉप सिंगर दादा ये तो प्रीतम है ओड़ी बाबा प्रीतम बाल काट के आया गान छुपा दादा ये लड़की का प्रीतम है लबर लबर नाइट लबर लबर आए देखो तो वो हमको ऐसा बुलाया ए तुम ऐसा ऐसा क्या करता हम ऐसा वैसा आदमी नहीं है हंसता है ये क्या बोका बोका हंसता है कॉमेडी है क्या अपना गान सर ये गाना आपका नहीं है ये मिथुन का गाना है ए हावड़ा ब्रिज मिथुन का गान हम दिया आई एम अ डिस्को डांसर योर गुड क्या बात सर गलत बात ये मिथुन नया म्यूजिक डायरेक्टर है उरी बाप रे बाबा हम गलत स्टूडियो में आया हमको छुपाओ नहीं तो हंसेगा हम पे छुपाओ छुपाओ ए आई एम बप्पी नॉट पप्पी वो जैकेट के अंदर जो दूसरा आदमी था ना वो मोहित सूरी निकला उसने मुझे भड़ कैंप से निकाल के सीधे रेफ्यूजी के कैंप भेज दिया वेल मूविंग ऑन राइटिंग अवार्ड्स में अगला अवार्ड है बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड टू प्रेजेंट दिस अवार्ड मे आई कॉल ऑन स्टेज साकिब सालेम एंड उमा कुरैशी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द 59th आइडिया फिल्मफेयर अवार्ड 2013 फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले गोज टू Yes, love you. Kai Poche. Bubali Chakra Chaudhary, Supratik Sen, Abhishek Kapoor and Chetan Bhagat. Congratulations, Team Kai Poche. Thank you to UTV for making the movie. I think it's these guys, these two Bengali people here who have done all the hard work. I get the award as being the Punjabi guy who has to work with two Bengali people. And that itself deserves an award. But thank you so much. Congratulations, Team Kai Poche. And last but not least, I played another character role. Bhag Milka Bhag. तू नहीं काटा होगा देख आज क्या भागे हो तुम वाह फरान वाह इतना क्यों चिल्ला रहे हिल क्यों रहा इतना ठंड लग रही क्या चलो अभी बोल सिंटन देख तो क्या भागे हो तुम मदन चोपड़ा ये क्या कर रहे मदन चोपड़ा नहीं है ये चल असली बॉडी पेंट है पेंट
Take four. आज क्या भागे तुम? वाह फरान वाह. आज क्या भागे तुम? वाह सर्किट वाह. Wow. क्या भागे हो तुम? Wow, baby, wow. I mean, wow, 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 wow. एक मिनट के लिए कोई इतना मेहनत करता है क्या? Take 271. क्या भागे हो तुम? वाह भारत, वाह. एक कटेट. पुरेल में भागा? कैमरा ट्रिक ना कंप्यूटर पे. वो साला क्रिश भी भागते ही रहता है. रेडी सर. वाह क्या भागे. अरे तू उधर क्या देख रहा है? इधर देख ना. सर मैं नहीं खेल रहा सर, ये चीटिंग कर रहा है. अरे तू धूप में खड़ा किया और फिर चाइटर भी नहीं है. चला सर एक रिहर्सल. मैं कुछ अंदर से लाता हूँ. एक रिहर्सल. आज क्या भागे हो तुम? वाह मिल्का वाह. गुड सर. ऐसी चाहिए ना. यस डन सर. टिक 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 टिक. फरानी ओके. आज क्या भागे हो तुम? फरान वाह बेटा वाह. ये एक्शन वाला कर. स्ट्रॉन्ग 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 सर. स्ट्रॉन्ग चाहिए आपको? ओह ओके ओके रेडी सर. पहले बोलना चाहिए था ना. एक्शन. आज क्या भागे हो तुम भरान? वाह अरे बाप रे वाह. समझ में ही नहीं आ रहा यार, इतना अच्छा काम करने के बाद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी एक फिल्म फ्लॉप हो गई? सब मेरे से शर्म मारती है. क्या लगता है फरान? व्हाट डू थिंक? क्या परफॉर्मेंस दी है तुमने? थैंक यू थैंक यू. अगला अवार्ड है फॉर बेस्ट डायलॉग एंड टू प्रेजेंट दिस अवार्ड मे आई रिक्वेस्ट काजल अग्रवाल एंड प्राची देसाई. एंड द अवार्ड गोज टू सुभाष कपूर फॉर जॉली एलएलबी. बहुत खुशी है फिल्म फेयर में पहली दफ़ा नॉमिनेशन और दो अवार्ड लेके जा रहा हूँ. बहुत इनायत बहुत करम. थैंक यू. द नेक्स्ट अवार्ड इज फॉर सोनी ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर. इसको प्रेजेंट करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे दिया मिर्जा एंड सीईओ मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मिस्टर एनपी सिंह. गुड इवनिंग एवरीवन. द सोनी ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर अवार्ड goes to Chennai Express. This is obviously for the entire team. So on behalf of Rohit and Shah Rukh and Red Chillies and everyone who's made this film what it was, thank you so much. आज हम इंडिया के 30% बिना बिजली वाले इलाकों में रोशनी ला सकते हैं अगर हम ये अहद करें कि हम LED का ही इस्तेमाल करेंगे जिसे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से महरूम नहीं रहेगा. लेडीज एंड जेंटलमैन अब वक्त आ गया है फॉर अ नेक्स्ट परफॉर्मेंस. वो आ रही है रंग जमाने एंड धूम मचाने. लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली कैटरीना कैफ. व्हाट ए परफॉर्मेंस. लेडी गाना का तो अब तो कुछ आता पता नहीं बट आई एम श्योर आ जाएंगे. आइए तब तक मैं आपको दिखा दूं कि फ्यूचर में क्या क्या जबरदस्त इन्वेंशंस के बारे में. ये है सच मोबाइल. ये बहुत ही स्पेशल है. आज के फ़ोन पर कोई भी झूठ बोल सकता है लेकिन फ्यूचर के फ़ोन पर नहीं, क्योंकि इस फ़ोन पर कोई झूठ भी बोले ना वो प्रोसेस करके सच में बदल देता है तो सामने वाला झूठ ही नहीं बोल सकता. इज़न्ट दैट अमेजिंग. आपको इसका डेमो दिखाता हूँ.
सच मोबाइल शाहरुख सर को लगा। हेलो शाहरुख सर। या कौन? शाहरुख सर, रणबीर है। तो यार रणबीर, या वन मिनट। 360 crore 20 lakh 8019 360 crore 20 lakh 8020 सर आप क्या कर क्या रहे हो सर? कुछ नहीं, ये जो चेन्नई एक्सप्रेस है ना, उसके पैसे गिन रहा हूँ। चेक कर रहा हूँ कि धूम थ्री ने वाकई मेरा रिकॉर्ड तोड़ा या नहीं। ए रोहित, वो नोट रख यार, जस्ट कीप इट डाउन यार। और बताओ रणबीर, हाँ फिर अकेले अकेले होस्ट कर रहा है, मुझे मिस कर रहा है ना? नहीं सर, मैं मिस नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपके भी होस्टिंग पैसे ले लिए। हेलो हेलो सर, ये आवाज़ कट रही है आपकी, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। हाँ हेलो, हाँ क्या है ना, शाहरुख सर का दिमाग बहुत फास्ट चलता है, इससे पहले कि वो मेरा कचरा कर दे, रख देना बेटर है, और अगले अवार्ड पर जाना बेटर है। सारा जमाना लेडी गाना का दीवाना। हेलो फैंस, हेलो हेलो, नमस्ते साहब जी, नमस्ते। इतनी इज्जत, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जी साहब जी, क्या लेंगे, कुछ चाय नाश्ता? नहीं तो पानी कॉफी? नहीं तू गाना गा ले। आज आज ब्लू है पानी 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 पानी। साहब जी मैं क्या बोलूँ ना, कि ये मैं सच में लेडी गाना नहीं हूँ ना, मैं चोपड़ा टू हूँ, प्रियंका मैडम की क्लोन, वो बहुत बिजी है ना, और मेरा काम तो कपड़े वपड़े धोने का है, ये सब मेरा काम है नहीं। तो कुछ पैसे बचाने के लिए प्रियंका मैडम ने ना मेरे को फिलिप्स कंपनी की जगह दिलीप्स कंपनी में बनवा दिया। तू लल्ली है? सॉरी साहब जी। ओ तू वो क्लोन है जिसमें कभी भी कुछ गड़बड़ हो जाता है? जी साहब जी। सॉरी यार। और ना वो प्रियंका मैडम ने मेरे को बोला था कि वो आपको ना बताऊं कि वो पार्टी कर रही है। पार्टी? हाँ क्यों? उसकी वो पिक्चर जीती ना, वो लव स्टोरी 2050 बेस्ट फिल्म अगेंस्ट, वो कौन सी पिक्चर थी, बेशरम दोबारा। वो डोंट वरी साहब जी, मैंने सुना है कि वो बेशरम दोबारा का जो हीरो था ना, उसने बहुत बुरी एक्टिंग की। मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ सेठ करोड़ी मल, दया की भीख मांगती हूँ, तुमसे कभी नहीं कहूंगी कि मुझे दया वापस कर दो, दया वापस कर, दया वापस कर, दया वापस कर दो, दया वापस कर दो, दया वापस। तेरे को जिस काम के लिए भेजा है वो ठीक ठाक कर। जी सो shall we proceed Mr. Kapoor? देखा कैसे आड़े टेढ़े क्लोन्स है फ्यूचर में, फ्यूचर में सबके क्लोन्स होते हैं, सिर्फ सरनेम के आगे दो लगाया जाता है, जैसे अजय देवगन का क्लोन है देवगन टू, ऋतिक रोशन का क्लोन है रोशन टू, अक्षय कुमार का क्लोन है कुमार टू, सुभाष घाई जी का क्लोन है घाई टू, प्रकाश झा का क्लोन है झा। कल फोटोकॉपी आ जा, वोट देते जी साहब। बढ़ते हैं क्रिटिक्स अवार्ड्स की तरफ। पहला अवार्ड है बेस्ट एक्टर फीमेल क्रिटिक्स, एंड टू प्रेजेंट दिस अवार्ड मे आई प्लीज इन्वाइट ऑन स्टेज, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, करिश्मा कपूर। Good evening, ladies and gentlemen. Critics Best Actor Female goes to Shilpa Shukla for BA Pass. शेर के मुंह खून लग गया। थैंक यू फिल्म फेयर, थैंक यू जूरी। माँ ये आपके लिए और ये मेरे पिताजी के लिए, और थैंक यू अजय बहल फॉर गिविंग मी सारिका एंड फॉर मेकिंग दिस डेयरिंग फिल्म। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल सो मच।
Very well deserved. Congratulations. The next award is for Best Actor Male Critics. And to present this award, may I invite on stage Mr. Javed Akhtar. Critics Best Actors Award, Male Actor. Rajkumar Rao Shahid. Oh, really? I'm a little nervous, sorry. I didn't expect it, actually. Thank you, Filmfare. Thank you, jury. Thank you, my family, my friends. You guys know who you are. Thank you, whole crew of Shahid. Thank you, Hansel sir, for making it. And thank you for giving me this part. And this one is for Shahid. Thank you, Shahid. अगला अवार्ड है फॉर बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स और इसे देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मैनेजिंग डायरेक्टर पीसी ज्वेलर्स बलराम गर्ग एंड श्रुति हसन को गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड इट गोज टू रितेश बत्रा फॉर द लंच बॉक्स Big hand for Team Lunchbox. Congratulations. चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड की ओर. अरे सर, आपका तो सच मोबाइल का अलार्म बज रहा है. वाह. मुझे ऋतिक रोशन को कॉल करना था. ऋतिक रोशन, अरे फोन लगाओ ना. सच मोबाइल ऋतिक रोशन को फोन लगाओ गॉड अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान हाय दिस ऋतिक रोशन हियर इट्स जस्ट फैंटास्टिक लाइफ एक जर्नी है और इस जर्नी में वी ऑल जस्ट ट्रैवलर्स सीकिंग आवर डेस्टिनेशन व्हिच इज माइंड ब्लोइंग इजंट इट जस्ट फैंटास्टिक इट्स लवली थैंक यू सो मच बाय बाय हेलो नो प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स नहीं नहीं मुझे बोलना है ऋतिक रोशन यू आर द बेस्ट यू आर द बेस्ट ओके यू आर द बेस्ट अप नेक्स्ट इज द अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यूट फीमेल मे आई इनवाइट ऑन स्टेज शोभिता मिस इंडिया अर्थ जोया मिस इंडिया सेकंड रनर अप The best debut female, the award goes to Vani Kapoor for Shuddh Desi Romance. Thank you, Filmfare. I cannot thank Adi enough for this. Manish and Shano, you guys have been my support system. This would not have been possible without you guys. And I'm missing my family a lot right now. Thank you. Congratulations, Vani. The next award is for Best Debut Male. And to present this award, may I invite on stage Chief Surface Delivery Officer, Idea Cellular, Mr. Navneet Narayan and Ileana De Cruz. And the award goes to Dhanush for Anjana. Thank you, Filmfare. My sincere thanks to the jury
for honoring me with this award. And I've done 25 films and this is my first debut award. Which clearly shows, you know, no matter where you go, how much you learn, there's always more to learn and you're always a newcomer. Anand Rai, thank you so much for giving me Ranjana. When you came up to me with the script and the budget, I thought you were a crazy man. And I never thought you were going to come back or call me back. You did come back with a brilliant script and Kundan. You gave me Ranjana. Ranjana gave me a brother. Love you, sir. Bhabhi, thank you so much for all the love, your food. You took care of me like a son. You made me feel home here. I was a newcomer, new world, new people, new language, and now I feel home. Thank you all. Thank you so much. Dhanush, can I make one request? You've come from so far. Ek rendition of Kolavari D ho jaye. Oh, you have to listen to it. It took me a lot to overcome that song. And it's really boring now. not for us. Since you asked. Please. Distance la moon, moon color white. White background night color black. Why this cola very deep. Thank you. Brilliant, thank you so much. अभी इतने अच्छे गाने के बाद रणबीर से मैं एक बात और बोलूं? हाँ बोल. मेरे को ना वो आमिर खान बहुत पसंद है. तो उसको फोन लगाओ ना. But Priyanka Chopra ने आमिर खान के साथ तो कोई फिल्म की नहीं. की ना फ्यूचर में 2027 में की ना कमीने ज़मीन पर. बड़ी हिट थी बड़ी हिट. चलो लगाता हूँ. बस मोबाइल आमिर सर को फोन लगाओ प्लीज. हेलो हाय. लो चोपड़ा टू मैं बात करूँ. टाइम में. Hello, Amir. Hi, this is Priyanka. Oh, hi, Priyanka. How are you? Oh, I'm good. I just wanted to ask you, Amir, aap awards lene kyun nahi aate? Arre yaar, ye meri life ki sabse badi tragedy hai. Maine barson pehle keh diya tha ki main, you know, aur log us baat ko abhi tak ghasit rahe hain ki main awards nahi leta. Actually, mujhe show dekhne aana tha. In fact, इस वक्त भी मैं यशराज के गेट के बाहर ही खड़ा हूँ. लेकिन ये वॉचमैन ये मुझे बोलता है कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम आमिर खान हो ही नहीं सकते. बट कोई प्रॉब्लम नहीं यार. नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर. पक्का. बाय. अरे बाय. कोई बात नहीं आमिर सर, अगर आमिर खान अवार्ड्स पे आते ना तो तुम लोगों का क्या होता. अच्छा वो नहीं आते. कंग्रेचुलेशंस ऑन द सक्सेस ऑफ धूम 3. अरे काम करता हूँ फरहान अख्तर को लगाता हूँ. अरे यार ये रणबीर और प्रियंका को कितना अच्छा होस्ट करें. क्या हो गया इन लोगों को. यू नो What happened to them, dude? मैं यहाँ बैठा हूँ और ये लोग फोन लगा रहे हैं. I just can't believe this, unbelievable. अरे ये असली फरहान अख्तर है क्या? भाग, रुक 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 ठीक है अब next is the award for best debut director. और ये award देने के लिए हम stage पर बुलाना चाहेंगे रमेश सिप्पी साहब को. Good evening, everyone. Wow, I love this one. Ritesh Batra, The Lunchbox. Hi,
रितेश नहीं है यहाँ पे तो मैं उसके बिहाफ पे झूठ मत बोलो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो आप रितेश ही हो ना हैं आप रितेश बत्रा ही हो ना बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो रितेश नहीं ना रितेश आई थिंक कान में है ना हाँ कान में किसके आपके कान में किसने नहीं आए थे कंग्रेचुलेशंस रितेश ओके गुड नाइट बाय बाय थैंक यू आप सभी विनर्स की जय हो अरे जय हो से याद आया अब आ रहे हैं वो रॉबिनहुड जो अपने कमिटमेंट के फंडों के लिए फेमस है जिनको किसी का एहसान नहीं चाहिए और जो ही हिम हिमसेल्फ को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते He's coming on with a super performance. Please welcome the Superman himself, Super Salman Khan. So, Chopra too. Yes, Sahib ji. अब हमारा वक्त आ गया है कि हम अपने युग में लौट चले जाना पड़ेगा मुझे नहीं जाने का है उधर वहां कौन बर्तन मांजेगा मेरे को इधर ही रहने का देखो कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लोग हैं फरहान अख्तर भी बैठा है मेरे को तो ये युग बहुत अच्छा लगता है मैं नहीं जा रही ठीक एक आइडिया है चल तुझे एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत बेहतर और आलीशान है होस्ट करेगी आप अरे आपके साथ तो मैं एयर होस्टेस भी बन जाऊंगी चलो ना सो लेडीज एंड जेंटलमैन हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे फिर भी रहेगी निशानियां जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते गुड नाइट खुदा हाफिज सत श्री अकाल काल 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 सज्जी काल काल तू भी दिलीप में बना क्या अरे तू भी दिलीप मैं भी दिलीप चल चल तेरे को कब होता है मेरे को ना नहाने के बाद एक बहुत सारा बहुत प्रॉब्लम होती है बाथरूम में नहीं जाना रणबीर और प्रियंका ने हमें फ्यूचर के ग्लिम्सेस दिखाए एंड इट ऑल लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्राइट लेकिन हमारा आज भी कुछ कम नहीं क्योंकि कई सारे नए लोगों ने बहुत अच्छी तरह लगाम को टेक ओवर किया है और कई कंपेटिटर्स को ओवरटेक भी किया है 2013 में फिल्मों की बड़ी इंटरेस्टिंग मिक्स थी कुछ फिल्मों ने हमें हंसाया कुछ फिल्मों ने हमें रुलाया और बाकी की फिल्मों ने आमिर ऋतिक और शाहरुख को बहुत अमीर बनाया स्टार स्टडेड सब्जेक्ट से लेकर सिंपल स्टोरीज तक हर अच्छे काम ने अपना सिक्का जमाया है सो इट्स ऑल गुड फॉर अस टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन चलिए इसे हैप्पी ख्याल को लेकर आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फाइनल फोर आइडिया फिल्मफेयर अवार्ड्स हमारा अगला अवार्ड है फॉर बेस्ट फिल्म लेट्स हैव अ लुक एट द नॉमिनेशंस डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन चेन्नई एक्सप्रेस गोलियों की रासलीला रामलीला मेरे पीछे बैठना पड़ेगा मैं ब्रेक मारू तो मेरे ऊपर गिरना पड़ेगा रांझना ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है दौड़ूंगा भी वैसे भाग मिल्खा भाग शादी इज दाल चावल फॉर 50 साल टिल यू डाई ये जवानी है दीवानी थोड़ा बहुत हिमा पाव टंगड़ी कबाब खाका नूडल भी होना चाहिए ना And to present this award, may I please invite on stage Mr. Sashi Shankar, Chief Marketing Officer, Idea Cellular, and the lovely Zoya Akhtar. The 59th Idea Filmfare Award for the best film goes to Bhag Milka Bhag. I accept this on behalf of the entire team, for the lovely cast and crew, and
on behalf of Milkha Singh, a big thanks to him. My childhood's fascination, my childhood hero, and who gave us the opportunity to translate his life onto celluloid. Thank you very much. Congratulations, Rakesh, and the entire team of a spectacular film, Bhaag Milka Bhaag, ladies and gentlemen. Truly the best film of 2013. Our next award is for Best Director, and the nominees are Rohit Shetty, Chennai Express, Sanjay Leela Bhansali, Goliyo Ki Ras Leela, Ram Leela, Anand L. Rai, Ranjana, Rakesh Om Prakash Mehra, Bhaag Milkha Bhaag. क्या चाहते हो लाइफ से बने? रफ्तार आयान मुखर्जी पागलपन ये जवानी है दीवानी दौड़ना चाहता हूँ गिरना भी चाहता हूँ बस रुकना नहीं चाहता अभिषेक कपूर काई पोचे And to give away this prestigious honor, may I please invite on stage veteran filmmaker Subhash Ghai and the beautiful Preeti Zinta. Wonderful film, which I loved. The director, Rakesh Om Prakash Behra. Thank you, Idea. Thank you, Filmfare. It's a lovely honor. This is for my mother. I lost her during the shoot, so it's very special for me. Thank you. Congratulations, Rakesh. Up next, ladies and gentlemen, is the award for Best Actor, Female. Let's have a look at the nominations. Deepika Padukone, Chennai Express. Deepika Padukone, Goliyo Ki Ras Leela, Ram Leela. Sonam Kapoor, Ranjana. Gunnan yaar, wo bachpana tha. Sirf use bhool jana chahta. Sonakshi Sinha, Lutera. Arun Srivastav. Ji. Jis gaadi se aapki takkar hui, usse chalane wale ka naam Babu Singh tha. Jo hai usme khush ho zyada patange. Pariniti Chopra, Shuddh Desi Romance. Shraddha Kapoor, Aashiqui 2. To itne paas kyun aaye tu? And to do the honors, may I please invite on stage the eternally glorious Rekha Ji and Shahid Kapoor. And the Filmfare Award, Lady, goes to... Now here's one woman I wouldn't mind losing my man to. This is Deepika. For Sanjay Leela Bansali's Goliyon Ki Ras Leela, Ram Leela. Come on. Good evening, everyone. The Filmfare Awards was
one of those things where the four of us would sit together and look forward to after school or whenever Filmfare was on TV, sometimes live. We put aside everything else to sit together as a family and watch all the stars come up there and pick up their award. And I never thought that one day I'll be here doing this. So thank you. Thank you, Sanjay Leela Bhansali, for giving me the opportunity and for believing in me and pushing me to the limit that you did, because I didn't think I could. Thank you, Ranveer, for being such an amazing co-star, and the entire team for making it possible. Everyone who works behind the scenes, 2012 and 13 was an exhausting year for me, and I think I went through some emotional, I think I was crabby, I think I was irritable, but I think that's what it needed, and unfortunately, to deliver what I did. So thank you so much for putting up with me. But most importantly, I think my fans, I have little Prerna here with me, and I want you to come up on stage, please. Prerna, on behalf of all my fans, I want to tell you that y'all have been so amazing. This is a very, very special moment for me, and calling you up here is to tell you how much I love all of you for believing in me and giving me the strength to do what I do every single day. Thank you. Deepika, don't go away. I meant to talk to you. What was your inspiration? Was it the director or was it Ram? Lord Ram. You were my inspiration, Karan. Nowhere close, I'm sure. But I'm glad I was. Congratulations, darling. You deserve every honor in this country for your spectacular performances this year. Thank you. For Deepika Padukone, ladies and gentlemen. Aur ab baari hai for our final award this evening, ladies and gentlemen, the award for Best Actor Male. Let's have a look at the nominations. Don't underestimate the power of a Halwai. Shah Rukh Khan. Chennai Express. Power of a common man. अगर मेरे शरीर के अंदर जाकर भी इस वायरस ने असर नहीं किया तो मेरे खून से इस वायरस का एंटीडोट बन सकता है नहीं ऋतिक रोशन क्रिश 3 आप हैं पापा कृष्ण फरहान अख्तर भाग मिल्खा भाग अरे सोच तो सही रणबीर कपूर ये जवानी है दीवानी मेरी अकल धनुष रंजना गांड पड़ गई रणवीर सिंह गोलियों की रासलीला रामलीला एंड द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मेल गोज टू Oh, it's a prize. Farhan Akhtar for Bhag Milkha Bhag. Bhag! They're much lighter than they've been before. They've lost some weight. I felt like the item boy in that nomination clip. The only one who didn't get a dialogue just had to show his body. But thank you very much. Thank you, Filmfare. Thank you to all the people who voted for this performance. There's many people to thank. Starting with, of course, Rakesh Mehra, the director of the film. Rakesh, I cannot thank you enough for this wonderful experience that I've had making this film with you and with the rest of the crew.
Bharti, Shyam, Rajiv, Ajit, everybody else who made this film happen, all the crew members. I'd like to thank Milkha Ji, of course, and his family. It really was their belief and his constant inspiration in things that he would share with us about his life that made, I think, all of us feel that we have to give more than what is being asked of us for this film, and that really, really sustained us. So thank you, Milkha Ji. I love you very, very much. I also want to thank Prasoon Joshi for writing an amazing script. And I keep saying this, but I must say it again. It really must have been so difficult to decide what not to put in the film as opposed to what to put into it. Thank you very much. I'm so happy to be receiving this, of course, in front of my family. Everyone is here, and it's a very, very proud moment for me, especially my mother is here, and that makes me feel really, really happy to be getting this in front of her. She used to keep telling me that I'd run around Bandra wearing no shoes, and what am I doing with my life? See, it amounted to something, all that running barefoot. Thank you very much. I love you all, and God bless. Thank you. Congratulations, Farhan. And I have to say, I am so glad I'm on stage while you're winning this award, because I've grown up with you and I had no idea you would win anything ever. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. That was a tremendous show and a tremendous evening. With that, we come to the end of the 59th Idea Filmfare Awards. A big thank you to all the partners who've made the 59th Idea Filmfare Awards truly spectacular. Title sponsor, Idea. Associate sponsor, PC Jeweler. Telecast partner, Sony Entertainment Television. Lighting partner, Philips. Outdoor partner, Bright Outdoor Media. Beverage partner, Black Dog Sparkling Water. Multiplex partner, Orienta Cine Advertising. Food partner, The Movable Feast. Radio partner, Radio Mirchi. English news channel partner, Times Now. Fragrance partner, Provogue. Fashion partner, Reliance Trends. Music partner, T-Series. Event consultants, Oxygen Entertainment. Event management, Perceptimark. Technical direction and stage management, On Cue Production. Stage lights, LED design and content executed by Fountainhead Entertainment. Acts remixed and choreographed by Ganesh Hegde Entertainment Private Limited. The 59th Idea Filmfare Awards has been conceptualized, scripted and directed by Fountainhead Entertainment, VG Jairam and Ganesh Hegde. We would like to thank our telecast partner, Sony Entertainment Television. We hope you enjoyed the show as much as we did putting it up for you. So see you next year. Until then, don't miss any movie. Good night and have a pleasant time at the movies, ladies and gentlemen. I don't think एक artist के लिए और इससे ज़्यादा बड़ी खुशी हो सकती है इतने बड़े दिग्गज लोगों के सामने जब अपना काम appreciate किया जाता है। It's a very proud moment and I'm very happy. This is the second award that we've got for the evening. We've got editing, we've got best action, we've got several other categories to also go. So yeah, fingers crossed. This is the most prestigious thing I've got ever in my life. I'm thankful to everyone. Thank you. क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो मेरी आशिकी अब तुम ही हो मेरा पहला नॉमिनेशन था लाइफ में फॉर एनी सॉन्ग सवारलू के लिए फिल्मफेयर का और मुझे मिला अवार्ड मैं बहुत खुश हूँ सवारलू है सवारलू आशिकी वाकई में एक म्यूजिकल फिल्म थी हमको खुशी होती है कि इतनी खूबसूरत कहानी को हम अपने संगीत के जरिए और खूबसूरत कर सके और उसके लिए हमें आज ये सम्मान दिया गया खुशी बहुत होती है एज अ न्यू कमर ब्लैक लेडी हाथ में हो तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी होती होगी आई जस्ट सेड इट फील्स वेरी गुड इट्स ऑलवेज स्पेशल व्हेन माय चिल्ड्रन आर देयर विद मी बिकॉज माय चिल्ड्रन आर हु आई एम एंड आई एम हु दे आर बहुत ही अच्छा लग रहा है इतनी खूबसूरत औरत अगर आपके हाथ में हो तो आपको कैसा लगेगा बहुत बढ़िया लगता है बहुत ही अच्छी इवनिंग रही बहुत मज़ा आया और बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट्स को अवार्ड मिल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है इट्स अनरियल एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था पर अभी हाथ में आ गई है तो मतलब उफ़
ड्रीम लेडी यस। जैसा कि आप देख सकते हैं इंतज़ार का फल मीठा रहा। बहुत मिक्स्ड इमोशंस हैं बट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी, आई कुडन्ट बी हैप्पियर, फिल्म फेयर मेड माई डे। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड विनिंग दिस अवार्ड। माई थैंक्स टू द एंटायर टीम, दे ऑल मेड इट पॉसिबल टुगेदर, दे गिव मी अ लवली स्क्रिप्ट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस अवार्ड। शेर है ओनली मत कर जाग गया तो चीज़।